जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमोघ लीला प्रभु। जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा। अपनी अमृतवाणी और ऊर्जावान शब्दों से हमारी युवा पीढ़ी को कामयाबी की दिशा में ले जाने वाले माननीय श्री अमोघ लीला प्रभु जी के बारे में आज बात करेंगे। तो उनकी बात करने से पहले भगवान श्री राम का नाम लेना मैं जरूरी समझता हूँ। तो आप भी मेरे साथ भगवान श्री राम का नाम ले सकते हैं, इसमें शायद ही किसी को आपत्ति होगी। तो मेरे साथ नाम लीजिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो चलिए आज की कहानी को शुरू कर ही देते हैं। श्री अमोघ लीला प्रभु जी ये जानते हैं कि आज के ज़माने में लोग आधुनिक जगत में जी रहे हैं, जो आसानी से किसी बात पर जोर नहीं डालते। इसलिए इनके द्वारा दिया गया धार्मिक ज्ञान भी वैज्ञानिकों के तथ्यों के आधार पर होता है और विज्ञान को ध्यान में रखते हुए ये अपनी स्पीच देते हैं। गुरुजी द्वारका के मंदिर इस्कॉन टेंपल के आज उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन टेंपल द्वारका। ये एक ऐसा जरिया बना जिससे वो लोगों से जुड़ सके और जो लोग मोह माया को अपनाकर अपना जीवन अशांत बना लेते हैं उन्हें सही दिशा में ले जा सके, ताकि आने वाले पीढ़ी इन फालतू कारकों से दूर रहे और आनंदमय जीवन जी सके। हमने अमोघ लीला प्रभु जी का जन्म का नाम अर्थात वास्तविक नाम आशीष अरोरा है। इनका जन्म जुलाई सन 1990 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था। इनका जन्म जिस अरोड़ा परिवार में हुआ था वो सामान्य पंजाबी अरोड़ा परिवार है, अर्थात अमोघ लीला प्रभु जी के परिवार की मूल उत्पत्ति पंजाब है। जन्म के लगभग 5 वर्ष बाद अमोघ लीला प्रभु जी भक्ति और आध्यात्मिक की ओर आकर्षित हो गए, लेकिन इन्होंने पूर्ण रूप से धार्मिक प्रचार एवं प्रसिद्धि तब लेनी चाहिए जब ये अपने विद्यालय की पढ़ाई कर रहे थे। और उस समय इन्होंने अपनी किताब में श्लोक पढ़ा जिसमें मन की प्रवृत्ति के बारे में बताया गया था। इसमें जिस तरह से मन के बारे में बताया गया था ठीक उसी तरह इनका मन भी था। तब इन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे मन के बारे में ये श्लोक 100% जानता है, और इसी जिज्ञासा के कारण इन्होंने भक्ति काल को ध्यान में रखना शुरू किया और आध्यात्मिक की ओर चल पड़े। इनकी शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर नहीं हो सकी क्योंकि इनके पिता रो एजेंट थे, जिसके कारण विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण होने से अमोघ लीला प्रभु जी का स्थान भी बदलना पड़ता था और इनकी शिक्षा भी इसी के अनुसार चलती रही। इसी बीच ये हमारे देश के प्राचीनतम ग्रंथ का अध्ययन भी करते रहे। तभी से लेकर आज तक इन्होंने कई शोध किए जिसमें इन्होंने सबूतों और विज्ञान के तथ्यों को भक्ति और महाग्रंथों से जोड़ा और वर्तमान में पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अमोघ लीला प्रभु यानी कि श्री आशीष अरोड़ा के जन्म उपरांत इनके पिता ने संतों को आमंत्रित किया था और उस दौरान आशीष अरोड़ा जी की जन्म कुंडली बनवाई गई, जिसमें गुरुओं का कहना था कि ये पिछले जन्मों से भक्ति काल के विशेष व्यक्ति रहे हैं और इस जन्म में भी ये आध्यात्मिक मार्ग को जरूर अपनाएंगे। इसके बाद जैसे जैसे अमोघ जी बड़े होते गए वैसे ही इनकी रुचि सच में आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगी। इनके पिता एक रो ऑफिसर थे जो कि काम में काफ़ी व्यस्त व्यक्ति माने जाते थे। इनके पिताजी ने अपने बेटे आशीष अरोड़ा को अच्छी शिक्षा देने का हर संभव प्रयास किया और उत्तम शिक्षा दी। इनका स्थानांतरण होता रहा और इनके लिए अच्छे स्कूलों को हमेशा चुना गया। अमोघ जी ने इस दौरान काफ़ी मेहनत की और शिक्षा में हमेशा अव्वल रहे। इनके अलावा ये हुनर भी सीखने में लगे रहते थे, लेकिन वो भी आध्यात्मिक और भगवान की पूजा अर्चना के साथ और भगवान की आस्था में लीन हो गए। और एक समय ऐसा आया जब श्री अमोघ लीला प्रभु जी भगवान श्री कृष्ण की तलाश में घर से निकल गए, क्योंकि स्वामी अमोघ जी भागवत गीता को भलीभांति जान चुके थे और अपने जीवन में शांति चाहते थे। इसी के चलते इन्होंने भगवान को खोजना शुरू कर दिया और घर से दूर निकल गए, क्योंकि उस समय इन्हें गीता का ज्ञान था लेकिन बाल अवस्था में होने के कारण इस दुनिया के गलत कार्यों से परिचित नहीं थे।
और बहुत मासूम थे। भगवान को खोजना एक चाहत थी क्योंकि उन्हीं के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। हालांकि इन्होंने अपने स्कूली जीवन में काफ़ी कुछ सीखा और कई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अमोघ जी पढ़ाई में तो वैसे बेहतर छात्र थे ही, साथ में अन्य प्रतियोगी में भी अच्छा प्रदर्शन करते थे। इन्हें खेल कूद में रुचि थी और इनका हुनर भी काफ़ी अच्छा था, जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, डांस, चित्रकला, गायन, फुटबॉल आदि। और वे इन सब के बावजूद वो पढ़ाई में हमेशा प्रथम श्रेणी में आते रहे। यही बात थी कि वो सोचते थे कि भगवान ने उन्हें काफ़ी कुछ दिया है और इतना तेज दिमाग और शक्ति भी दी है, लेकिन हमने भगवान को कुछ नहीं दिया, इसलिए हमें भी भगवान को कुछ जरूर देना चाहिए। और इसी बात को लेकर वो घर से निकलकर भगवान को खोजने लगे थे। वो कई मंदिर और धार्मिक स्थलों पर गए ताकि भगवान का पता मिल सके। इसी बीच ये संतों पंडितों से भी भगवान का पता पूछ लेते थे। लखनऊ से अमोघ प्रभु जी की शिक्षा शुरू हुई और बाद में इन्हें अलग अलग स्थानों पर स्कूली शिक्षा को पूरा करना पड़ा। सन 2000 में इनके स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सन 2001 में इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में स्नातक करते हुए एडमिशन लिया, जो कि वर्ष 2004 तक पूरा हो गया। ग्रेजुएशन में इन्हें 89% अंकों के साथ उपाधि प्राप्त हुई और अच्छे अंक आने के कारण उनके विश्वविद्यालय द्वारा मास्टर डिग्री करने हेतु बिना टेस्ट लिए एडमिशन लेने की बात कही, लेकिन उन्होंने मास्टर डिग्री नहीं की। बाद में इसी साल यानी 2004 में ही इन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी मिली, जो लगभग 6 वर्षों तक की, और सन 2010 में इस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और ब्रह्मचारी बनने के लिए द्वारका चले गए। अमोघ लीला प्रभु जी अपने कैरियर की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर की थी, जिसमें उन्होंने लगभग 6 साल काम किया। इसके बाद इनका पूरा जीवन आध्यात्मिकता की ओर चला गया। अमोघ लीला प्रभु जी सन 2010 में द्वारका आए और यहाँ भी लगभग 3 सालों तक ब्रह्मचारी बनकर रहे और बाद में वो घर छोड़कर इस्कॉन टेंपल में रहने लगे और आज भी यहीं से भगवान की भक्ति के साथ समाज सेवा में लगे हुए हैं। कुछ रोचक तथ्य हैं तो उनकी बात भी हम कर लेते हैं। इन्हें हरे कृष्णा संबोधन के लिए जाना जाता है। अमोघ लीला प्रभु जी मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अमोघ जी ने अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। इनकी 2 बड़ी बहनें हैं। अमोघ जी सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी को बेहद पसंद करते हैं। जब ये 17 वर्ष के थे तब इन्होंने घर से निकलकर भगवान को खोजना शुरू कर दिया था। इन्होंने घर छोड़ते समय अपने माता पिता के लिए एक पत्र लिखकर छोड़ दिया था। स्कूल के समय में ये अपने दोस्तों के साथ अक्सर आध्यात्मिक बातों का जिक्र करते थे। दूसरों की बुराई करने पर उन्हें टोकते थे। तो दोस्तों, ये थी अमोघ लीला प्रभु जी की जीवन परिचय। आशा करता हूँ कहानी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप भी इनके भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।